स्वागत है आपका बदी से एमटी न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंह, हरी अब देखते दिन भर की खास खबर। स्वामी विवेकानंद चौराहे से गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने निकाली तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा लगाने की अपील। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन का जन्मदिन मनाया उनके समर्थकों ने धूमधाम से, निवास पर पहुंचकर की लंबी उम्र की शुभकामनाएं दी बधाइयां। और कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमल सलाहकारी की पुनः नियुक्ति होने पर कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता पहुंचे उन्हें बधाइयां देने, कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आए हर्षित। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर विदिशा जेल में बहनें अपने कैदी भाइयों को राखी बांधने पहुंची, जहां कैदी भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर तिलक लगाकर राखी का पर्व मनाया गया। जेलर प्रिय दर्शन श्रीवास्तव ने दी जानकारी। जेल में बहनें अपने कैदी भाइयों को राखी बांधने पहुंची, जहां कैदी भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर तिलक लगाकर राखी का पर्व मनाया गया। जेलर प्रिय दर्शन श्रीवास्तव ने दी जानकारी। गुरुवार की शाम को शेरपुर स्थित टीला निवासी कुछ लोगों द्वारा दुकानों में तोड़फोड़ और मारपीट का मामला प्रकाश में आया था। क्षेत्रीय लोग सिविल लाइन थाने पहुंचे और आरोपियों की शिकायत की। मैं शेरपुरा में रहता हूँ, व्यापारी हूँ। हमारे मोहल्ले में ये जो टीले पे जो भी कंजड़ बस्ती के लोग निवास करते हैं, उन लोगों के द्वारा आजकल बहुत दरिद्रता फैलाई जा रही है। बाहर निकलना दुश्वार है, दुकानों में तोड़फोड़ आए दिन, गाली गलौज, व्यापार करने नहीं देते हैं। कोई बात हो तो मारने दौड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, बहुत अभद्र व्यवहार करते हैं। इसलिए मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि इन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जाए, समाज के सभी लोगों को सुरक्षित रहने का कोई साधन बने। तिवारी जी, क्या पूरा मामला हुआ था रात में, आज सुबह सिविल लाइन थाने आए? मेरी दुकान BTI रोड पर है, मेरी दुकान पे कर्मचारी दुकान पर था और हम लोग घर पर थे। चूँकि रक्षाबंधन था, हमारे पास फोन पहुंचा कि आपकी दुकान पे तोड़ा फोड़ी की। जब हम दुकान के लिए निकले तो हमने बीच में 100 नंबर डायल से भी हाथ जोड़ के निवेदन किया कि दुर्गा नगर में BTI रोड पे अपनी दुकान पे तोड़फोड़ हो रही, कृपया चलिए। हम दुकान पे पहुंच गए, उसके 20 मिनट बाद 100 नंबर डायल वहाँ पहुँची। और जब तक उनने पूरी दुकान में उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की और लूट करी। कौन है वो लोग, कौन कौन है उसमें? कुछ बलिया समुदाय के लोग हैं, उसमें 4-5 लोग हैं जो मुख्य हैं, मुख्य आरोपी हैं। उसमें से एक आरोपी का नाम है राज, एक तो राज है, राज रज्जू, रज्जू नाम का लड़का है, जिससे वो मैंने खुद उससे मना किया, हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप अपने घर जाइए। कहने नहीं, दुकान बंद कीजिए। मैंने कहा आप अथॉरिटी नहीं, दुकान बंद कराने की जिम्मेदारी आपकी नहीं। वजह क्या थी, कुछ खास? कोई वजह नहीं थी। उन्होंने कम से कम 10 दुकानों में तोड़फोड़ की है। मेरे बगल में एक मेडिकल स्टोर वाले की मेडिकल बंद कर दी, उसको अंदर बंद कर दी। फ्री में सामान मांगते थे, फ्री में सामान नहीं देते, तो उस तरीके शासकीय गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने स्वामी विवेकानंद चौराहे से तिरंगा यात्रा प्रारंभ की। सभी छात्राओं ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी से तिरंगा लगाने की अपील की है। कॉलेज स्टाफ भी इस मौके पर उनके साथ था। नाम मुस्कान मालवी है। गवर्नमेंट गर्ल्स PG कॉलेज विदिशा। ये हर घर तिरंगा के अवसर पर अमृत महोत्सव 75वां हमारा, उसके अवसर पर रैली निकाली गई है। कहाँ से कहाँ निकाली जा रही है? ये हमारे गर्ल्स कॉलेज से ये विवेकानंद चौराहे तक निकाली गई है। इस अवसर पर सभी ने हर घर तिरंगे के नारे लगाए हैं, क्योंकि ये झंडा हमारी शान है और हम इसके लिए कुर्बान है। धन्यवाद। क्या संदेश दे रहे हैं?
भारत माता की जय। शासकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राएं आज घर घर तिरंगा हर के लिए एक रैली निकाली है। उन्होंने हमारे महाविद्यालय से ईदगाह तिराहे तक में दो महापुरुषों की मूर्तियां थी, जिन्होंने जिसकी छात्राओं ने सफाई की है और वहां पर हमने उनको पुष्पमाला अर्पित की है। सादर नमन करते हैं हम उनको, जिसके कारण आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। कृषि उपज मंडी परिसर में जिला प्रशासन के माध्यम से पौधे रोपित किए गए, वहीं पौधों को राखियां भी बांधी एवं भुजरिया मिलन समारोह भी हुआ। तहसीलदार सरोज अग्निवंशी ने बताया कि परिसर में करीब 700 से अधिक पौधे रोपित करना है। मैम आप राजनीति में आ जाओगी ऐसे? वन मंत्री वाला अरे बुझाइए काम है ना, तो वहाँ स्टार्ट पाया आप बुझाइए भाई से बुझाइए। अरे अभी निकले हैं चार बजे तक मंडी में परिसर में जो पौधे रोपण थी किस उसके तहत में? अब वर्तमान में अभी शासन का अंकुर अभियान चल रहा है और आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। इस कारण सभी हम लोग ऑफिस के कर्मचारी अधिकारी, कलेक्टर ऑफिस, तहसील ऑफिस, एसडीएम ऑफिस के सभी लोग आकर के मंडी प्रांगण में पौधारोपण कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि पौधारोपण कर वायुदूत ऐप में इसको डाउनलोड करके। मैडम कृषि उपज मंडी के परिसर में लगभग कितना लक्ष्य रखा गया है? हमारा यहाँ लक्ष्य 700 पेड़ लगाने का, पौधे लगाने का। भगवान कुश जयंती के अवसर पर एक निजी धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहाँ कुशवाहा समाज के वरिष्ठ उपस्थित रहे और कुश जयंती धूमधाम से मनाई गई। वहीं जनपद अध्यक्ष भी उपस्थित थे। कहाँ से कहाँ निकलेगा जमीन? कितने लोग? पूरन सिंह कुशवाहा। कुशवाहा जी आज क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? ये कुश भगवान की कुश जयंती है और कुशवाहा महासभा के नेतृत्व में हम लोग 2006 से निरंतर आज भुजरियों के दिन कुश जयंती मनाते चले आ रहे हैं और मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाल कर रामलीला चौराहे पे समापन करें। भुजरियों के दिन ही क्या महत्व है कुश जी का? बुजरियों के दिन जो महत्व है कि सभी लोगों ने बताया कि कल पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ कुश भगवान का, इसलिए बुजरियों का दिन कुशवा महासभा ने तय कर लिया कि हर साल बुजरियों के दिन ही कुश जयंती मनाएंगे। आज बुजरियों का पर्व है और वैसे तो पूर्णिमा के दिन भगवान श्री लपुस का जन्म उत्सव मनाया जाता है, तो पूर्णिमा के कारण आज एक दिन बाद ये जन्मोत्सव मनाते हैं और कुशवाहा समाज द्वारा ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और उसी में आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं भगवान लपकुश के जन्मोत्सव में शामिल हुआ। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन के जन्मदिन पर भाजपा के वरिष्ठ व युवा नेता उनके निवास पर बड़ी संख्या में पहुंचे और उन्हें लंबी उम्र की शुभकामनाएं दी और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए फूलमालाएं पहनाकर बधाइयां दी। बड़ी संख्या में भाजपाई उनका जन्मदिन मनाने उनके निवास पर पहुंची थी।
आया हुए कार। कलेक्ट्रेट के वरिष्ठ अधिकारियों को समाजसेवी गोविंद देवलिया सहित आपकी विरासत परिवार द्वारा आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के चलते बैच लगाए गए। स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में हमारी स्वतंत्रता संग्राम के पूरे योगदान को याद कर रहा है और इस अवसर पर राष्ट्र में नारा दिया गया है हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा। उसी अभियान के तहत हमने विदिशा विरासत समूह की ओर से तिरंगे के स्टिकर उपलब्ध कराए हैं और हम लोग एक एक व्यक्ति को जाकर जहाँ तक संभव हो पा रहा है ये तिरंगे के स्टिकर लगा रहे हैं, साथ ही तिरंगा झंडा भी फहराया जाए अपने लोगों में लगाए इसकी प्रेरणा भी दे रहे हैं। आज इसी क्रम में आज हम जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आए और यहाँ जो जो अधिकारी हमें मिले अतिरिक्त कलेक्टर चंद्रवन सिंह जी, डिप्टी कलेक्टर हर्षल चौधरी जी और अन्य अफसर उन्हें मिले, उन्हें अभी तक हमने झंडा लगाया। शक्ति बस सर्विस टीम द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा लगाने की अपील सभी से की गई। शक्ति बस सर्विस के डायरेक्टर तेजेंद्र सिंह और बन्नू भी इस मौके पर उपस्थित थे। जी आजा तू बीच में आजा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। अमर रहे। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। अमर रहे। 75वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त विदिशा जिलेवासियों को, नगरवासियों को एवं मध्य प्रदेश वासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। साथ में ही जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है कि घर घर तिरंगा, सब लोग उसी में लगे हुए और इससे हमारे देश के प्रति जो इस बार लहर चली है गांव गांव शहर शहर में, मैं मोदी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। कांग्रेस पार्टी की पुनः जिलाध्यक्ष कमल सलाहकारी की नियुक्ति होने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके निवास पर पहुंचे और उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ समर्थक और नेता उपस्थित थे। सोनिया गांधी जी के निर्देश पर आदरणीय श्री कमल सलाहकारी जी को पुनः एक बार अध्यक्ष रह चुके थे, पुनः उनकी कार्यशैली को देखते हुए उनका संगठन के प्रति कमलनाथ जी ने देखा कि कमल सलाहकारी जी कितने सक्रिय हैं संगठन के प्रति और वो निर्विवाद आदमी है, उन्हें पार्टी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ना किसी चीज़ का उन्हें टिकट मांगा, ना ज़्यादा उनकी इच्छाएँ, वो सिर्फ संगठन में हमेशा काम करने के उद्देश्य से उन्होंने काम किया। उसी को देखते हुए कमलनाथ जी ने पुनः कमल सलाहकारी जी पर विश्वास जताते हुए जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति के उपरांत पूरे ज़िले में हर्ष उत्साह का माहौल है और लोगों को लग रहा है कि ये वही कांग्रेस जीवित होगी जो इंदिरा गांधी जी के ज़माने में जो कांग्रेस होती थी, वो कांग्रेस ज़िले में स्थापित होगी कमल सलाहकारी जी के नेतृत्व में और आने वाले समय में कमल सलाहकारी जी के नेतृत्व में पाँचों विधानसभाओं में से पाँच की पाँच जीतने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है और आदरणीय चाचा श्री के नेतृत्व में ये लक्ष्य पूरा किया जाएगा। जय हिंद। जय भारत। आज की खबरों को देते ही पर ग्राम आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अपडेट न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पीयू सेंटर
होटल राजावत का संचालक मैं महिपाल सिंह राजपूत आप सभी को 15 अगस्त आज़ादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। जय हिंद जय भारत। सभी नगरवासियों एवं व्यापारी बंधुओं को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वाधीनता दिवस का ये पावन पर्व जिसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, निश्चित रूप से गौरव के क्षण हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे आग्रह और अपील की है कि 15 अगस्त के पावन दिन हमें अपने अपने निवासों पर तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज लहराना है। तो मेरा सभी बंधु बांधवों एवं व्यापारी साथियों से आग्रह है कि वो 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर अपने अपने निवास पर तो राष्ट्रीय ध्वज फहराएं, उसके प्रति सम्मान प्रकट करें, देश के प्रति सम्मान प्रकट करें, जिससे कि एक बहुत अच्छा संदेश पूरी देश और दुनिया में जाए। जय हिंद जय भारत। देश में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं सब देशवासियों को, जिलावासियों को, सभी को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शुभकामना देना चाहता हूँ। आज मैं उन शहीदों को भी याद करता हूँ जिसने 1947 की आज़ादी दिलाई और देश में आज जो हमारे नौजवान सीमाओं पर डटे हुए हैं, हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत नमन करूँगा। जय हिंद जय भारत। पंद्रह अगस्त हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी मैं जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और ये हम लोग प्रण लेंगे कि हमारी देश की आज़ादी, प्रजातंत्र और लोकतंत्र जो हमारे पूर्वज नेताओं के अमिट बलिदान से हमें प्राप्त हुआ है, उसको हम जीवित रखें। आम जनता ने जो हमसे अपेक्षा की, हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग उसकी आम जनता की सेवा में जो भी हमसे बन सकेगा हम लोग करेंगे। मैं सभी जिलेवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूँ।